यूनिक और टेस्टी चना पापड़ बनाने के लिए एक कप काबुली चना 8 घंटे के लिए भिगोकर ले लेंगे। फिर मिक्सी में पीसना है। पीसने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है हमें। एकदम से ज्यादा पानी डालेंगे तो चना अच्छी तरह से नहीं पीस पाएगा। 30-30 सेकंड के लिए चलाकर एक बार देख लेंगे, जितना हो पानी की जरूरत है उतना पानी डाल के फिर से पीस लेंगे। 4-5 बार में अच्छी तरह से चने पीस जाएंगे। अब एक बर्तन में चने के पेस्ट को डाल देंगे और 1 लीटर पानी डालेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये दूध की तरह दिखने में दिखेगा। मीडियम से लो फ्लेम में रख के हमें इस घोल को पकाना है। और हम जो भी बर्तन लेंगे वो वजनदार होना चाहिए। लोहे की कढ़ाई हो तो अच्छा है, स्टील में भी जो वजनदार हो, जिसका तला वजन हो उसमें पकाइए। लेकिन ध्यान देना होगा क्योंकि स्टील में बहुत ही जल्दी जलने लगता है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट में घोल पक जाएगा। इस तरह से देखिए गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी की तरह दिखने लगेगा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। मिला लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। पापड़ को सुखाने के लिए मैं केले के पत्ते ले रही हूँ। आप इसे कॉटन के थोड़े थिक कपड़े पे भी डालकर सुखा सकते हैं। केले के पत्ते पे डालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं पापड़। अब जहाँ पर ज्यादा समय तक धूप हो वहाँ पर पापड़ सूखने के लिए डाल देंगे। मैं छत पर डाल रही हूँ। चम्मच की सहायता से इस तरह से डाल देंगे, अपने आप ये फैल कर बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से सारे घोल को गोल गोल डाल लेंगे। अगर कॉटन के कपड़े पे आप डाल रहे हैं सूखने के बाद वो निकलने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो उसमें पानी अगर हम डाल देंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। अब इस तरह से डालने के बाद ऊपर से एक कपड़ा डालकर ढक देंगे। पहले दिन धूप नहीं होने की वजह से हमने निकाल के नीचे रख दिया था, पापड़ सारे टूट गए हैं। तो केले के पत्ते से निकाल कर सिर्फ कपड़े में सुखाया मैंने। मुझे 2 दिन लगे सुखाने के लिए, ये 1 दिन में भी सूख सकता है। अब इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। ये अलग तरह का पापड़ है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हम इन्हें तलेंगे गरम तेल में, जैसे बाकी के नॉर्मल पापड़ हम तलते हैं उसी तरह से तल सकते हैं एक एक, और अगर टुकड़े हैं तो एक साथ में डालकर भी तल सकते हैं। इनमें अगर आप कोई मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। पापड़ बनकर तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।